अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की रहमत और फजल करम के साथ मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज आपको अपडेट दूंगा बैरियटन कराची के हवाले से, जो कि बारिश के बाद यहाँ पर क्या मनाजिर होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और वो पूरा इंशाल्लाह आपको व्यू कराऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है माशाल्लाह कल रात को बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई थी और तकरीबन 4 से 5 घंटे लगातार बारिश हुई थी बहरिया टाउन में। और उसके बाद जो है उसके जो है मनाजिर आपको मैं शो करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहरिया टाउन में बारिश के बाद क्या सीन है। ये मैंने स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाई, ताकि जो लोग कहते हैं कि पानी खड़ा हो जाता है बहरिया टाउन में, तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाते हुए लेके जा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर ज़रा भी पानी खड़ा नहीं होता बारिश के दौरान। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन ऊपर नीचे है, तो वहाँ हल्का हल्का पानी जो है वो भी, जिसे बोल रहे हैं कि एक निशानी है कि बारिश हुई थी यहाँ पर। और बाकी ये रोड आप देख लें पूरा खुश्क हुआ है, और कहीं पर भी जिसे बोलते हैं ऐसा पानी नहीं खड़ा हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक को तंगी हो या चलने फिरने में दुश्वारी पैदा हो। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, एक तो आपको पहले दरख्त दिखाया था और अभी दूसरा दरख्त दिखा रहा हूँ, कैसे माशाल्लाह खजूर से भरा हुआ है ये पूरा दरख्त। और आगे भी आप देख सकते हैं सारा माशाल्लाह जो दरख्त है खजूरों से भरा हुआ है। गर्मी जून जुलाई का मौसम है, जून तो चला गया जुलाई है, और उसमें ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की जिसे बोलते हैं खजूरें यहाँ पर लग गई हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये खजूर जो है यहाँ पर ये टूटी हुई हैं, ये दरख्त है इन खजूरों का, यहाँ से माशाल्लाह खुद ही टूट टूट के गिर रही हैं यहाँ पर। और ये मैंने आपको भी और करीब करके दिखाया माशाल्लाह, ये खजूरों के दरख्त, ये जो अभी आपको पहले भी दिखाई थी कि जो खजूर मेरे हाथ में थी, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये दरख्तों पर कैसे खजूर लगी हुई है, और बस इसको उतारने की देर है। व्यूअर्स, पानी ना जमा होने की मेन वजह यही है कि ये जो आप वेंटिलेशन का सीन देख रहे हैं यहाँ पर, ये जिसे बोलते हैं कि एग्जिट, जो भी पानी यहाँ जमा होते हैं वो ड्रेन हो जाता है, और यहाँ पर इन छोटी छोटी जो है नलियाँ या आप इसको टनल्स बोल दें, इनके थ्रू वेस्ट हो जाता है, तभी इसलिए पानी जमा नहीं हो पाता। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी गैप में रहा है ये एक निशानी है कि यहाँ पर बारिश हुई थी, कभी हुई थी, कभी नहीं बल्कि कल ही हुई थी। व्यूअर्स, अभी मैं ये मेन जिना एवेन्यू पे आ गया हूँ, यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो पानी नहीं जमा होता वो ये है, ये ड्रेनेज का जो है इन लोगों ने ऑप्शन रखा होता है। कहीं पर भी रोड पे आपको जो है पूरे आप देख सकते हैं, उस तरफ मेरे मेन जिना एवेन्यू है और यहाँ पर मैं दूसरे रोड पर खड़ा हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी पानी जमा नहीं हो रहा। और ये कौवे इतने ज़्यादा बोल रहे हैं कि मुझे लगता है व्लॉगिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, ये सबसे अच्छा है, लेकिन इस पर अमल हो जाए तो क्या थी क्या ही बात है। डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग बहरिया टाउन। ये बारिश की वजह से यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, ये जो डंपर खड़े हुए हैं ये लोडेड हैं, मेरे ख्याल से खाली हो चुके हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये आप देखें यहाँ पर सारा, और अभी बारिश है तो इस वजह से थोड़ा सा काम जो है डिले कर दिया इन लोगों ने। चलते चलते काफ़ी दूर आ गया हूँ, ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जनरेटर भी ऑन है, लाइट का बहुत कम इशू है, लेकिन अभी जैसे कि ये जून जुलाई चल रही हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है आजकल, लेकिन इतना नहीं आ रहा जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी में लोड शेडिंग होती है। व्यूअर्स, एक मैसेज आप सबको और दूंगा कि जितना हो सके बारिश के मौसम में जो है मच्छरों से बचें, आजकल वैसे भी ये डेंगू फैला हुआ है बहुत ख़तरनाक है, ज़रा सा भी काट ले तो मलेरिया बुखार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, तो एडवाइस है आपको बचे इस चीज़ से। व्यूअर्स, ये आपको एक मैं चीज़ दिखाऊंगा, ये मैंने अभी देखी है, ये जब बारिश होने के बाद जो है ये वो चीज़ है जो चिपक जाती है एकदम से टांगों पे, पता नहीं कहाँ पर, इसे जों बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये देखें इस वक्त अभी दीवार पर चिपकी हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे ना चिपक जाए यहाँ पर कहीं पर, ये कितनी मोटी तादाद में है ये, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये वाकई स्नेल ही है। और मुझे अभी इस वक्त अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं पता चल रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है, बारिश का मौसम है इस तरह की चीज़ें तो निकलेंगी,
ये आपको और करीब करके दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये नीम का दरख्त मैंने अभी देखा है माशाल्लाह, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये बहुत ही घना भी है और इसके नीचे जो है काफ़ी इसके जो वो गिरी हुए हैं, इसको जो येलो येलो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ये आप देखते हैं मामूली। पार्किंग की जगह आप देखें माशाल्लाह, कोई भी गाड़ी खड़ी हो सकती है, नो इशू। लोग कहते हैं कि गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी हो सकती है। भाई ये देख लें, व्यूअर्स, ये मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी बैरियर टाउन के हवाले से, कि काफ़ी सारे लोगों का जो था वो सवालात थे कि भाई बारिश के बाद बैरियर टाउन के जो हैं हमें कुछ सीन बताएं, किस तरीके के होते हैं, वहाँ के मनाजिर किस तरह होते हैं। तो वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लोड करूँ वो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाए। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें अभी मैंने अपनी जो है चैनल में इंशाल्लाह टेक्निकल सपोर्ट भी, उसकी भी वीडियोज़ आएंगी और कुछ ट्रैवलिंग की भी आएंगी, तो मिक्सअप वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। जो आपको अच्छी लगे आप उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जाने से पहले फिर एक बात बताऊंगा, जितना हो सके अल्लाह पाक का जिक्र किया करें और जितना हो सके आगे अच्छी बात फॉरवर्ड किया करें। अस्सलामुअलैकुम।